मथुरा में सेना की भर्ती जारी है। सेना की ईगल ग्राउंड और उससे आगे के विशाल सैन्य क्षेत्र में चल रही 12 दिवसीय इस भर्ती का सोमवार को सातवां दिन रहा। मैनपुरी और करहल तहसील की इस भर्ती में भाग लेने करीब 6,500 अभ्यर्थी आए, जिनमें से 5,500 से अधिक युवाओं से दौड़ लगवाई गई, जिनमें से कुल 479 युवा उसे पास करने में सफल रहे। सातवें दिन तक कुल करीब 35,000 युवा भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 3,500 दौड़ को पास करने में सफल रहे हैं। सेना भर्ती की कवरेज के सातवें दिन एक बार फिर से हमारे साथ हैं आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आगरा के डायरेक्टर कर्नल श्रीकांत नारायण। आज की कैसी स्थिति रही भर्ती की? आज की भर्ती की स्थिति भी बड़ा ही सुचारू रूप से चला है। जैसा कि आपने कहा, आज सातवां दिन है। आज मैनपुरी जिले के मैनपुरी और करहल तहसील की भर्ती देखी गई। इसमें जो रजिस्टर्ड स्ट्रेंथ था वो 9,688 था और उसमें से 6,000 तकरीबन 400 लड़कों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। टोटल जो पास हुए हैं वो 479 हैं जिन्होंने रेस को पास किया है आज। तो बड़े अच्छे और सुचारू रूप से चला है, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, बड़े अच्छे तरीके से ये रेस का जो तक का जो प्रोग्राम था वो संपन्न हो गया है। आज की रेस में कितने लोग शामिल हैं? रेस में जो है, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, 6,400 लड़के जो थे वो हमारे असेंबली एरिया में आए थे। तकरीबन 745 लड़के जो प्री हाइट जो हमारा कंडीशन होता है उस पर फेल हुए हैं। तो टोटल जो हमारे 5,600 के करीब लड़कों ने, 5,700 लड़कों ने इस प्रक्रिया में पूरा भाग लिया। और सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं, जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस बार हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है। जो मेल मिलाप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की तरफ से सहयोग ये पूरा का पूरा है, तो बहुत ही सुचारू रूप से ये भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है और अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आई है जो कि कोई गलत इंडिकेशन किसी को दे। आज तक की भर्ती में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक आज ही दौड़ में सफल रहे 479 रहे हैं। आज स्ट्रेंथ भी थोड़ी ज़्यादा थी और दिनों की अपेक्षा, जैसे कि नॉर्मली कल जो स्ट्रेंथ थी वो 6,100 थी, आज 6,300 से 3,500 तो पहले भी आए हैं, 6,500 आए हैं, बट रन एरिया में उतने नहीं पहुंचे थे। आज रन एरिया में भी काफ़ी लड़के पहुंचे हैं। 5,600 का स्ट्रेंथ था, 20 रेसें हुई हैं जैसा आप देख सकते हैं, तकरीबन 20 रेस हुआ है और हर रेस में कैच भी अच्छा था, तो काफ़ी अच्छा रहा है दिन। और अब आने वाले दिनों में कल किसकी भर्ती? कल भी मैनपुरी के भोगाँव और फिरोजाबाद के एक और तहसील का है, जो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के एक एक तहसील की भर्ती है। पंजीकृत कितने हैं? पंजीकृत तकरीबन 9,000 है, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, 9,200 के करीब है एग्जैक्ट फिगर। कल भी अच्छी संख्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कल भी संख्या अच्छी रहेगी, बट अब लड़कों को भी मेरे ख्याल से पता चल गया है, तो बड़े सुचारू रूप से वो खुद ही वो आ रहे हैं और जैसे जैसे रेस कंडक्ट होते जा रहा है वो वैसे निकलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। करीब करीब 3,000 संख्या हो गई है उन अभ्यर्थियों की जो दौड़ में पास हुए। बिल्कुल, तकरीबन उस अब तक कुछ और डिटेल्स आ पाई हैं कि जो मेडिकल कितनों का अब तक वो हो चुका है, कितने मेडिकल में भी कट ऑफ हो चुके हैं? नहीं, वो आपको जैसे मैंने बताया, जो फाइनल हम क्लोज करते हैं तभी पता चलेगी, उस दिन ही पर पता चलता है कि कितना हमारा जो लड़के हैं वो बाकी सारे चीज़ों में फेल किए हैं और जो फाइनल पास हो गए वो उस समय ही पता चलता है जब हम क्लोज करते हैं। तो धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अभी तक हमारे साथ रहे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आगरा के डायरेक्टर कर्नल श्रीकांत नारायण, जिनके निर्देशन में मथुरा में ये 12 दिवसीय सेना की भर्ती चल रही है। 6 जिलों की ये भर्ती है, जिसमें चौथे जिले की भर्ती आज शुरू हुई, 3 जिलों की भर्ती पहले ही हो चुकी है और अब आज की भर्ती के बाद अब 5 दिन और रह गए हैं सातवें दिन की भर्ती के बाद। अब तक यहाँ पर करीब 36,000 अभ्यर्थी आ चुके हैं और उन 36,000 अभ्यर्थियों में से करीब करीब 3,000 दौड़ में पास हुए हैं, जो अब आगे की प्रक्रिया में हैं। उनका परीक्षण जारी है, उनमें से मेडिकल में कितने पास आउट
हुए हैं और कितने उसमें से निकल चुके हैं ये अभी पता नहीं चल पाया है, अभी स्पष्ट नहीं है, आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।